L460 का ये मॉडल है जिसके अंदर सुपरवाइजर पासवर्ड लगा हुआ है। इसे हम पैचिंग के मेथड से अनलॉक करेंगे, तो देखते हैं प्रोसेस।
यहाँ पर मैंने जो अनलॉक्ड फाइल थी वो बायोस पे मैंने प्रोग्राम कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका लैपटॉप में से सीमो सेल और लैपटॉप की बैटरी निकली हुई होनी चाहिए। अनलॉक बायोस प्रोग्राम करने के बाद आपको ऑन करना है। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है, ऑटो ऑन हो जाता है वैसे ये। और यहाँ पर आपको F1 प्रेस करना है, ठीक है, F1 प्रेस करना है। ऑन करने के बाद आपको F1 को प्रेस करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे डिस्प्ले के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टार्टअप आएगा। तो यहाँ पर ये इससे आगे अगर नहीं जाता है, कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि अनलॉक बायस डालने के बाद अगर ये आगे नहीं बढ़ता है तो आपको लैपटॉप को ऑफ करना है स्विच से। ऑफ करने के बाद दोबारा से ऑन कर लेना है और अगेन F1 बटन प्रेस करना है आपको, ठीक है। तो F1 बटन प्रेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन का एरर लगता है। फैन नहीं लगा हुआ है क्या? फैन तो लगा हुआ है। अच्छा, हो सकता है फैन भी खराब हो इसका, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ऑन करता हूँ इसको और F1 का बटन प्रेस करके देखता हूँ। बेड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई भी गलत पासवर्ड आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप 1 2 3 4 ही टाइप कर ले तो बेटर रहेगा। 1 2 3 4 एंटर। उसके बाद लिखा है प्रेस एनी की, प्रेस एनी की। अब यहाँ पर आपसे हार्डवेयर आईडी और उसके नीचे एंटर की, यहाँ पर एक की डालनी होगी। वो की का प्रोसेस थोड़ा अलग है तो मैं इसे स्किप करूंगा। की का प्रोसेस कैसे होगा क्योंकि ये पेड होता है, बाकी आपको मैं यहाँ पर सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है आपको प्रेस स्पेस का बटन आपको प्रेस करना है। प्रेस स्पेस वंस मोर, एक बार और आपको स्पेस का बटन दबाना है। नाउ टर्न ऑफ, अब आपको बटन दबाकर लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ कर दिया। अब अगेन पावर निकाल कर आपको बायोस प्रोग्राम करना है। इस बार बायोस जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो ओल्ड वाली बायोस ही प्रोग्राम करेंगे।